चलिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों को लेकर अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी प्रीत किरण, देखिए केंद्र सरकार लगातार दूसरी पार्टियों पर निशाने साध रही है, वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी की तो केजरीवाल लगातार रोड शोज के जरिए जनता को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं और सचिन पायलट भी आकांक्षा ओला के लिए यहां पर वोट मांगते हुए दिखाई दिए। क्या हलचल वहां पर हो रही है, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को रूबरू करवाएं। जी बिल्कुल, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, जिस तरीके से प्रदेश में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली में विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटा हुआ है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रचार किया दिल्ली पहुंचकर। इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मॉडल टाउन में जो आकांक्षा ओला है जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, उनके लिए प्रचार किया, इसके साथ ही रोड शो किया। तो तमाम जो मंत्री हैं राजस्थान के वो दिल्ली में मौजूद हैं, चाहे ममता भूपेश की बात करें या रघु शर्मा की बात करें, तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद है। वही केंद्रीय कैबिनेट पूरा दिल्ली में विधानसभा चुनाव का प्रचार कर रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आज कड़कड़डूमा में दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए रैली की और ये उम्मीद लगाई कि जिस तरीके से तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दावे कर रही है, पिछली बार 70 में से 66 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी उन पर, इस बार भी जिस तरीके से दावे कर रही है आम आदमी पार्टी की काम के दम पे वो वोट मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस पूरा दमखम लगा रहे हैं अपनी अपनी ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए। बिल्कुल प्रीत, ये बताएं कि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री की रैली वहां पर हुई, प्रधानमंत्री ने लगातार एक चीज का यहां पर जिक्र किया कि केजरीवाल सरकार जो है वो केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं कर रही है। रैली में काफी लोग मौजूद होंगे, क्या आपको लगा कि प्रभाव लोगों पर पड़ेगा इस वजह से, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने रैली को संबोधित किया, तो बिल्कुल थोड़ा सा कहीं पर हल्का सा प्रभाव पड़ सकता है? जी देखिए, जिस तरीके से लगातार हमेशा से यही बात हुई कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं और पूरा का पूरा चुनाव जो है मोदी पलटने का दमखम रखते हैं। तमाम राज्यों में उन्होंने जाकर के प्रचार किया, दिल्ली में भी उसी उम्मीद से बीजेपी ने उनकी तमाम रैलियां लगाई, एक के बाद एक धुआंधार रैलियां मोदी खुद अमित शाह कर रहे हैं, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो रैली कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने ये दावा किया कि आम आदमी पार्टी केवल और केवल झूठे वादे करती है, और जिस तरीके से दिल्ली में हमेशा से कई बार जिक्र किया, शाहीन बाग का जिक्र किया जा रहा है बीजेपी की ओर से, खुद प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह हो, लगातार शाहीन बाग में जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहा है इसके लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो ये जो मुद्दा है कहीं ना कहीं एक तरीके से पोलराइजेशन इसको जो है ये किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, तो फिलहाल ये देखना होगा। अब 2 दिन का ही प्रचार बाकी है, 3 दिन का, 6 तारीख को जो है प्रचार प्रसार थम जाएगा। 3 दिन धुआंधार जो रैलियां हैं, जनसभाएं हैं, जनता तक ज्यादा से ज्यादा तीनों पार्टियों के नेता पहुंचना चाहते हैं, इसके लिए जो तमाम जो नेता हैं वो दिल्ली में जमे हुए हैं। जी बिल्कुल प्रीत किरण, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखें दिल्ली विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मियां हैं उन पर, और तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया।